सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय की मैथ 2019 में होने वाले पेपर किस वीडियो में 5 सवाल रहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिए, इसकी मत कीजिएगा। तो पहला सवाल, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यदि इनमें में से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितना है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यदि इनमें में से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो कुल रन लीजिए, कुल रन 36 गुड़े 6 यहाँ पर किस लिए आएंगे देख लीजिए, छत्तीस प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या यानी कि रन बनाते हैं 36 गुड़े 6, खिलाड़ी कितना 6, तो 36 गुड़े 6 आपके बराबर आ जाएगा 216। इनमें में से खिलाड़ी ने 16 रन बनाए उन्हें घटाना है, तो 216 माइनस 16 आपका बराबर आ जाएगा 200। अतः शेष खिलाड़ियों की औसत 216 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 205/5। अब 200 को 5 से विभाजित करेंगे तो आपका बराबर आ जाएगा 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पीछे देख लीजिए, कुल रन 36 गुड़े 6 यानी कि प्रति खिलाड़ियों की रन बनने की संख्या 36 गुड़े 6, 6 खिलाड़ी है आपके बराबर आ जाएगा 216। इनमें में से खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तब इनमें में से खिलाड़ी ने 16 रन बनाए उन्हें घटा देते हैं, अब 6 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी को घटा देंगे तो 216 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 200। अतः शेष खिलाड़ियों की औसत 200/5 यानी 200 को 5 से विभाजित करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा 40। नेक्स्ट सवाल, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। कहते हैं सबसे पहले हम अभी अंकों का योग निकालेंगे, 86 गुणे 40 86 को 40 से गुणा करेंगे तो आपका बराबर रहेगा 3 34 40। अब जो योग उन 5 अंकों को निकालने के बाद बनेगा वह है 35 यानी कि 40 छात्र जिसमें से 5 सर्वाधिक अंक है यानी कि 35 गुणे 85 और बाकी जो 86 हैं यानी एक इधर घटाना है, 86 में से एक इधर घटाना है और 40 में से 5 इधर घटाना है, 35 गुणे 85 बराबर आ जाएगा 2975। दोनों का अंतर 3440 माइनस 2975, यहाँ पर आपका 3440 और यहाँ पर है 2975, तो 3440 माइनस 2975 आपका बराबर आ जाएगा 465। उन 5 अंकों का योग आप इसका औसत निकालेंगे
465 को 5 से विभाजित करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 93, यानी कि 93 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु होगी। सबसे पहले चार बहनों की आयु जोड़ेंगे कि 7 × 4 आपका बराबर आ जाएगा 28। अब जब माँ की आयु शामिल कर ली जाती है, औसत आयु हो जाता है 13, यानी 6 वर्ष यानी जोड़ दी जाती है, तो 7 × 6 = 13 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तथा कुल लोग चार बहन प्लस माँ, यानी कि चार बहन और एक माँ को जोड़ जाएगा आपका हो जाएगा 5, इसलिए कुल आयु 13 × 5 हो जाएगा यहाँ पर 65। 13 क्यों किया गया, क्योंकि 13 टोटल हो गया औसत आयु और 5 यहाँ पर कुल लोग को 5 हो जाएगा, यानी 13 × 5 = 65। अतः माँ की आयु 65 माइनस 28 घटाएंगे तो आपका बराबर आ जाएगा 37 वर्ष। आपका यही आंसर हो जाएगा 37 वर्ष। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु 3:5, 5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तीनों लड़कों की कुल आयु होगी 5 × 3 = 45 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष प्रत्येक लड़के की आयु है, 15 × 3 = 45 वर्ष। आप 45 वर्ष को 3:5, 5:7 के अनुपात में विभाजित कर लीजिए, उसका उत्तर आ जाएगा। तो 45 बटे को यहाँ पर 3 + 5 + 7 जोड़ना है, जो कि यहाँ पर अनुपात दिया गया था, तो 5 × 3 = 8 + 7, यानी कि 8 और 7 = 15 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया है 45/15, और 45 को 15 से विभाजित करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटे लड़के की आयु 3 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक समान सूत्र है और आप इसे बिना सूत्र के मौके भी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र, नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या गुणे औसत में वृद्धि। तो नया औसत कितना है 15, सदस्यों की पुरानी संख्या कितनी है 30, गुणे 1 यानी कि औसत में वृद्धि कितना हुआ 1, तो 15 और 30 कितना हुआ 45, गुणे 1 आपका 15 45 ही रहेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी टीचर की आयु 45 वर्ष। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा जरूर, अगर वीडियो पसंद तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके।